नमस्कार साथियों, सभी सीएससी वीएलई भाइयों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएससी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है अभी आयुष्मान कार्ड डाउनलोड को लेकर के, उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे वीएलई का मुझे कमेंट आया, मैसेज आया कि सर आयुष्मान कार्ड डाउनलोडिंग करते वक्त एक मैसेज आ रहा है बेड रिक्वेस्ट, और ऐसे में हमारा पेमेंट वैलेट से कट जाता है पर हमको जो है आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। आज का वीडियो बस इसी प्रॉब्लम के ऊपर है, आपको इसका सॉल्यूशन वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगा और डेमो के रूप में मैं आपको एक आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा। और अगर आपको वाकई में ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जो एरर आ रही है बेड रिक्वेस्ट, इसका जो मेन प्रॉब्लम है आने का है वो है हमारा क्रोम का वर्जन। दोस्तों, अगर आप क्रोम में इसको डाउनलोड करते हैं तो क्रोम का अगर आप वर्जन चेक करोगे तो जो क्रोम का हम फिलहाल में जो वर्जन यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफली बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं वो, दोस्तों अबाउट क्रोम में जाकर के आप चेक करेंगे तो वर्जन 87.0, यानी कि जो क्रोम का हम लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं। और गाइस, ये जो वर्जन हम यूज कर रहे हैं इस वर्जन पे जो है आयुष्मान कार्ड डाउनलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है, इसकी वजह से हमें यह प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं तो मोजिला फायरफॉक्स जो है उसी में भी यही प्रॉब्लम है। अगर आप फायरफॉक्स का वर्जन चेक करते हैं, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे आप, और यहाँ पर जाके दोस्तों जनरल सेटिंग्स में जाएंगे, और जनरल सेटिंग्स में जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो इसमें स्क्रॉल करते नीचे की आना तो आप यहाँ पर जो है इसका वर्जन चेक कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो इसका वर्जन है वो 83.0 है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाहे आप 32 बिट यूज करते हो या फिर 64 बिट यूज करते हो, विंडोज 7, विंडोज 10 जो भी यूज करते हो, आपको यहाँ पर जो है मोजिला फायरफॉक्स जो है आपको उसका 60, यानी कि मोजिला फायरफॉक्स का वर्जन 60 डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप बस गूगल पर जाकर के मोजिला फायरफॉक्स और आगे आपको लिखना होगा वर्जन 60, आपको बस ये जो वर्जन है इसका ये डाउनलोड करना होगा। इसको आप जो इसका सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सेम दोस्तों क्रोम का होगा तो क्रोम को भी आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए, क्रोम वर्जन 70 या फिर क्रोम का वर्जन 75, दोनों में से आप कोई सा भी डाउनलोड कर लीजिए, इसको आप यहाँ पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको डाउनलोडिंग का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको ज्यादा यहाँ बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और उससे पहले आपको क्या काम करना है, जो आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स जो भी है, यानी कि जो पहले वाले यूज कर रहे हैं, आपको इसको अनइंस्टॉल करना होगा। तो अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, स्टार्ट पर दबाना है और आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में आपको प्रोग्राम्स में जाना है, यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, फायरफॉक्स हो गया या गूगल क्रोम हो गया, इसको आप अनइंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद इसे जो है यहाँ से अनइंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि अनइंस्टॉल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो पुराना वर्जन जो है जो हमने डाउनलोड किया है लिंक के थ्रू, उसको क्लिक करके जब इंस्टॉल करेंगे तो इसको पुराने वाले को जो है हमें अपने कंप्यूटर से हटाना पड़ेगा। तो इसको आप यहां से जो है अनइंस्टॉल कर लीजिए। यहां पर जो भी रीजन वगैरह आपको डालना है तो आप यहां से जो है रीजन वगैरह डाल दीजिएगा, और उसके बाद में इसको क्या करना होगा, यहां से जो है आपको सबमिट कर देना और आपको इसको अनइंस्टॉल सक्सेसफुली कर लेना। अब क्या करना है, जो नया वर्जन जो मैंने आपको लिंक के थ्रू आप डाउनलोड करोगे उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए, मैंने जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो मैं आपको इंस्टॉल करके उसको बता देता हूं। तो यहां पर जो है मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल कर लेता हूं। अब दोस्तों देखिए, जो मैंने क्रोम को इंस्टॉल किया है वो है हमारा वर्जन 75। देखिए, मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जा करके आपको जो है यहाँ पर फिर से नीचे स्क्रॉल करना होगा और एडवांस में जाना है आपको। यहाँ पर फिर और नीचे की तरफ आना तो आपको यहाँ पर अबाउट क्रोम या फिर इधर सेटिंग्स पे क्लिक करना और डायरेक्टली जो है अबाउट क्रोम पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको दिखेगा वर्जन 75। अब वर्जन 75 जो है इसमें आयुष्मान कार्ड डाउनलोड होते हैं, इसको मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पर हम न्यू टैब पे क्लिक करेंगे और हमारा सीएससी का पीएमजेएवाई वेबसाइट खोल लेते हैं। यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है हम अपना सीएससी आईडी यहाँ पर डाल लेते हैं और उसके बाद में अपना पासवर्ड जो है अगले वाले टैब में डाल देना है। साइन इन पर जब आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है अपनी सीएससी आईडी को, और उसके बाद में आपको ऑथेंटिकेशन होगा फिंगरप्रिंट के द्वारा, तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट का ऑथेंटिकेशन दे देना है।
और इसके बाद में आपको यहाँ पर स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक कर देना है और अपना फिंगर जो है यहाँ से ऑथेंटिकेट कर लेना है। इतना करने के बाद में हमारा आयुष्मान का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो अपलोड अप्रूव पे क्लिक करेंगे, होम स्टेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अप्रूव बेनिफिशियरी की जो लिस्ट है वो आपको मंथली ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है मंथली ओपन करके दिखा देता हूँ और एक आयुष्मान कार्ड जो है वो आपको एज ए डेमो दिखा देता हूँ डाउनलोड करके, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ इस तरीके से डाउनलोड किया जा सकता है। चलिए एक को हम कंफर्म प्रिंट कर लेते हैं और इसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा 8 रुपये का। तो पेमेंट भी हम यहाँ से कर देते हैं, अपना सी एस सी आई डी का पासवर्ड डाल देते हैं और वैलिडेट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में आपको वैलिड पिन डालना होगा और फिर से पे पे क्लिक कर देना है। जब आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो पहले यहाँ पर बेड रिक्वेस्ट का एक स्क्रीन आ रहा था, अब आपको यहाँ पर डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड कार्ड पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है हमारा कार्ड जो है वो डाउनलोड हो गया है और इसको ओपन करके हम यहाँ देख सकते हैं कि कार्ड जो है हमारा सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। तो आपको मैं बता दूं कि इस तरीके से आप लोग जो है अपना आयुष्मान कार्ड जो है डाउनलोड कर पाएंगे और इस तरीके से जो एरर आ रही है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने CSEVLE दोस्तों में शेयर कीजिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।